Assalamu alaikum. I would like to welcome you all to the Pakistan Tourism Forum 2021, which has been brought to you by the Cutting Edge Group and PHPA. इस फेस्टिवल ने एक नई लाइफ दी है लोगों को. The absolutely brilliant blogger Angela Carlson. Traveled 38 countries, and Pakistan is by far one of the biggest adventures that I've had. आगे बढ़ते हैं अपनी पैनल डिस्कशन की तरफ. You have to be realistic कि आपको टूरिज्म को कैसे आगे लेके चलना है. कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना, ये सब पैराडाइज ऑफ माउंटेन. पाकिस्तान, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कहीं भी आप स्काई डाइव करें, एरियल व्यू आप देखें तो ब्यूटी ब्यूटी, खूबसूरती खूबसूरती, फूल ही फूल. पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला फेस्टिवल होगा जिसका कल फुटफॉल 1,00,000 रिकॉर्ड किया हमने. आरिफ साहब, सुजात साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त ये पाकिस्तान टूरिज्म फेस्टिवल इस्लामाबाद में किया है 3 दिन से. जैसे इन्हें आपको पता है, फुटफॉल 1,00,000 से ज़्यादा कल थी. इट इज़ अबाउट द टूरिज्म, इट इज़ अबाउट इस्लामाबाद, इट इज़ अबाउट द फेस्टिविटी. हमने एक 10 साल की एक पॉलिसी टूरिज्म की बनाई हुई. बिकॉज तेजी साहब बात कर रहे थे, मैं बल्कि इनके पीछे लगा हुआ हूँ कि मुझे वाइट पेपर एक पूरा फिर से बना के दें, कि हम इंसेंटिव्स दें होटल्स को. I think government should never be there. I think it should just be private sector, private sector, private sector. Or government should only give policy and govern. Let me tell you that not only Pakistani, lot of Pakistanis are returning to Pakistan to build a hospitality infrastructure when they have seen the greater image of Pakistan. हमारी पॉलिसी में जो थ्रस्ट लाइन, मेन थ्रस्ट लाइन है, जो स्ट्रेटजी की सर बात भी कर रहे थे, वो यही है कि हमने प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ही हर तमाम टूरिज्म को फ्लरिश करना है और प्राइवेट सेक्टर को ही करना चाहिए. हमारा यूथ साहब के जो एक सजेशन थी, जो टूरिज्म पॉलिसी जो इंश्योरेंस की, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी काम कर दी है सर. दिस वुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट उमर यूथ साहब्स एंथुसियाज्म और उनका पुश और इनकी डिटर्मिनेशन, जिसने ये इवेंट पॉसिबल भी किया. मैं मुसल्ला फाज का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. इससे बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में, एक अमन का मैसेज. सारों का हम दिल की यथा कह रहे हैं, उनसे शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपकी कंट्रीब्यूशन से ये इवेंट प्राइवेट सेक्टर ने, निजी शोबे ने कामयाब बनाया और उसके लिए हम दाद देते हैं. पाकिस्तान जिंदाबाद. बहुत शुक्रिया.